हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं यहाँ अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन होसे में एज इंजीनियर काम करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर कोरोना वायरस के हालात बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को डराना या पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका विश्व का सबसे विकसित देश है, उसके बाद भी यहाँ पर अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि यहाँ की सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, उसके बाद भी हर दिन यहाँ पर लगभग 9 से 10 हजार नए केसेस आ रहे हैं। आज जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तक लगभग यहाँ पर 65 हजार लोग अफेक्ट हो चुके हैं। लगभग 900 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूयॉर्क में लगभग 30 हजार केसेस है। कैलिफोर्निया में लगभग 2.5 से 3 हजार केसेस है। बहुत सारे स्टेट्स में लगभग शेल्टर इन होम का ऑर्डर है। हम लोग भी यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। लोग बहुत ही स्पेशल नीड होने पर घर से निकल रहे हैं। मैं अपने यहाँ बालकनी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप जैसे कि देखेंगे कि पीछे आपको यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ पार्क मिलेंगी। नॉर्मल डेज में यहाँ पर आपको गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी। लोग काम पर जाते हैं और लोग रात को आकर ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, लेकिन अभी स्पेशल नीड होने पर ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज लोग अपने घर पर रह रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर भी ग्रोसरी स्टोर में जब हम जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में उन लोगों ने खुद से एक चेकअप की लाइन बनाई हुई है, और कुछ जगह लाइन नहीं भी बनी हुई है, तो लोग अपने स्वयं से 6-6 फीट की दूरी पर लोग खड़े हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, और उसके बाद ही बिलिंग काउंटर में जा रहे हैं। शायद हमें ऐसा इंडिया में भी हमें ऐसा करना चाहिए। हमें दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए। हम देखेंगे कि चाइना और साउथ कोरिया ने किस तरह से स्ट्रिक्ट मेजर लगाकर इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन आप देखेंगे अदर विकसित देशों में जैसे कि इटली में कम समय में बहुत सारे केसेस आने के कारण वहाँ पे हालात बहुत खराब बने हुए हैं। आज डॉक्टरों को सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है वहाँ पर कि हम किसको बचा सकते हैं और किसको नहीं बचा सकते हैं। तो यदि ऐसे प्रॉब्लम हमारे इंडिया में हो गए तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ऐसे हालात हमें इंडिया में नहीं होने देना है। स्पेशली मैं अपने यंग भाइयों बहनों से, यंग युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इस लड़ाई में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। WHO ने भी कहा है कि युवा इससे इनविंसिबल नहीं है, वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। यदि हम अफेक्ट होते हैं तो हमारे साथ हमारे घर के मम्मी पापा अफेक्ट होंगे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, बूढ़े एल्डरली पेरेंट्स और बाकी एल्डरली पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, और उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण हमारे परिवार की जान पर बन जाए। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर भी सोशल हैं। इन जनरल इंडिया में पूरे लोग सोशल हैं, लेकिन हमें इस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लीज़ घर पर रहिए। मोदी जी ने जो 21 डेज का कर्फ्यू को बोला है, प्लीज़ उसका फॉलो करिए। यदि ज़्यादा दिन भी हमें रहना पड़ता है तो प्लीज़ घर पर रहिए। यदि हमारे रहने से एक जान भी बचती है तो इसमें हमारी राष्ट्रभक्ति ही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी हमको एक इर्रिस्पॉन्सिबल यंग या बहुत ही गैर जिम्मेदार यंग और गैर जिम्मेदार नागरिक कहकर पुकारे। तो प्लीज़ कर्फ्यू का फॉलो करिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए और घर पर रहिए, अपने और अपने परिवार की जान की रक्षा कीजिए। जय हिंद। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।